फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनिया भर से कई दिग्गजों के कैची धाम पहुंचने तथा जीवन को बदलने वाले अनुभव की कहानी प्रसिद्ध। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के भवाली के पास स्थित एक धार्मिक स्थल यानी नीम करौली बाबा का आश्रम। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नीम करौली बाबा कैसे पहुंच सकते हैं, वहां रुकने ठहरने की क्या क्या व्यवस्था है, वहां खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रात को 12 बजे शुरू की थी तो रात की रूवी आपको नहीं दिखा पाया हूँ। इस समय हम भीमताल के पास पहुँच चुके हैं, काठ गोदाम भी पार कर चुका हूँ। उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल रूम में पूरा वीडियो के अंत तक मैं आपको यहाँ की जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम नीम करौली बाबा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस समय मैं भीमताल के किनारे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक कैची धाम आश्रम श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी चर्चित लोकप्रिय ये धाम है। प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा ने यहाँ पर एक आश्रम स्थापित किया था जो कि शांतपूर्ण आश्रय स्थल बन गया है, जहाँ लोग अपनी आंतरिक शांति के लिए आते हैं। कैची धाम एक आध्यात्मिक केंद्र है जो कि उत्तराखंड की सुरम पहाड़ियों में स्थित है। कैची धाम आश्रम की ओर जाने वाले सड़क पर कैची के फलकों की तरह दो तीखे मोड़ हैं, इसी वजह से धाम का नाम कैची धाम पड़ा। तो दोस्तों इस समय वादियों का आप आनंद लेते रहिए और साथ में हम आपको नीम करौली बाबा के बारे में जानकारी देता चलूंगा। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करौली बाबा पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। उन्होंने मित्र पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ज़्यादातर वहां पर कंबल ओढ़े नजर आएंगे, इसलिए श्रद्धालु लोग कैची धाम जाते हैं तो कंबल चढ़ाते हैं। कैची धाम की स्थापना दिवस पर नीम करौली बाबा को श्रद्धालु मालपुए का भोग भी लगाते हैं। इस भोग के तैयार करने के लिए हर साल मथुरा के दर्जनों कारीगर कैची धाम पहुँचते हैं। धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम में हनुमान जी और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं अलग अलग वर्षों के लिए। यहाँ 15 जून को यहाँ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कहा जाता है महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करौली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। नीम करौली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे, इसीलिए उन्होंने जीवन काल में ही हनुमान जी की 108 मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थीं। वह अंडमरों से दूर रहते थे और नीम करौली बाबा से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कैची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था, घी कम पड़ गया था। बाबा ने नदी से पानी भरकर लाने को कहा। भक्त बड़े बड़े कनस्टरों से पानी भरकर लाए और पानी घी बन गया। दोस्तों अगर आप ट्रेन का सफ़र करके तय करके यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठ गोदाम है और काठ गोदाम से 38 किलोमीटर दूर पर नीम करौली बाबा का आश्रम स्थित है। इसी तरह से आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ट्रेन या बस से जरिए आप काठ गोदाम पहुँच सकते हैं। नीम करौली बाबा का आश्रम जाने के लिए मार्च से जून तक काफ़ी समय अच्छा रहता है। इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच भी कैची धाम घूमने आ सकते हैं। इन महीनों में मौसम सुहाना रहता है। आश्रम के आसपास का प्राकृतिक परिवेश सफ़र के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। जुलाई अगस्त में मानसून में काफ़ी पहाड़ियाँ क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों इस समय हम बिल्कुल भीमताल के नीचे किनारे आपको हम ले चल रहे हैं और कुछ ही देर के बाद हम भीमताल पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इस समय हम भीमताल बिल्कुल पहुँचने वाले। भीमताल में कुछ समय रुकेंगे यहाँ हम, क्योंकि सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे कुछ देर यहाँ हम रुकेंगे। उसके बाद भवाली जाएंगे, उसके बाद हम आपको नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए ले चलेंगे। तो दोस्तों भवाली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नीम करौली बाबा का आश्रम।
देखिए इस भीमताल से कैसे पानी ऊपर की ओर नीचे की ओर ले जाया जा रहा है, और काफ़ी खूबसूरत ये झील है। और अब हम आपको यहाँ से मैं फिर अपनी गाड़ी के पास पहुँचता हूँ, और वहाँ से हम आपके लिए भवाली के लिए हम प्रस्थान करेंगे। इस समय हम हिमांशु भोजनालय जो भीमताल के पास लगा यहाँ है चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद हम भवाली की ओर निकल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ रीम करौली बाबा के आश्रम के आसपास रुकना चाहते हैं तो यहाँ कोई होटल्स नहीं हैं, केवल होम स्टे हैं जिनका चार्ज 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच लेते हैं, और 2000 भी लेते हैं कुछ अच्छे कमरे के लिए। तो आप अगर रुकना चाहते हैं तो यहाँ के होम स्टे में रुक सकते हैं। तो इस समय हम बाबा रीम करौली के धाम बिल्कुल पहुँच चुके हैं, यहाँ से रीम करौली बाबा का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। अब हम सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग करेंगे, उसके बाद हम एक होम स्टे लेंगे, जिस देखिए कितना चार्ज लेता है। इसमें देखिए यहाँ से भीड़ शुरू हो गई है, गाड़ियों की पार्किंग अगल बगल हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी पार्क करूँगा, उसके बाद हम आपको बाबा के दर्शन करने के लिए ले चलूँगा। और स्नान करने के लिए हमने एक होम स्टे लिया है जिसका चार्ज उन्होंने 600 रुपया लिया है केवल एक घंटे के लिए। सामने आपको बाहर से मैं आपको नीम करौली बाबा के दर्शन करा रहा हूँ, मैं आपको नीचे की ओर भी ले चलूँगा। ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि अंदर की कोई भी दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि अंदर के कैमरा ले जाना वर्जित है, इसलिए हम आपको बाहर से दर्शन कराऊँगा बाबा नीम करौली के। तो सबसे पहले हम अपना जो रूम है उसको ले चलेंगे गाड़ी पार्किंग करने के बाद। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी एक दो हैं, ये बाई साइड आपको दिखाई पड़ रहा है। ये रेस्टोरेंट काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, यहाँ भी भोजन कर सकते हैं। और आपको सामने जो गाड़ी पार्क दिखाई पड़ रही है दाहिने साइड में, वहाँ भी आप जाकर आप नाश्ता कर सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ खाने पीने की व्यवस्था के लिए होटल्स नहीं हैं, कुछ ही हैं। तो हम अब इसमें अपने रूम की ओर जा रहे हैं। मैंने रूम में फ्रेश होकर स्नान भी कर लिया है, अब बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए निकल रहा हूँ। और आपको हम यहाँ से केवल 200-300 मीटर दूरी पर स्थित है, तो हम आपको ले चल रहे हैं बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए। जो आप इस एरिया देख रहे हैं इसी के थोड़ा आगे नीम करौली बाबा को जाने वाला रास्ता है, यही इसका मेन एरिया है। यहाँ गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं, घरेलू ले जाने के लिए कुछ वस्तुएं खरीद सकते हैं। यही मेन चौराहा है बाबा नीम करौली का, जहाँ आप रुक सकते हैं। ये अन्नपूर्णा प्योर वेजेस आपको भोजनालय काफ़ी खूबसूरत भोजनालय है, तो यहाँ भी जाकर आप भोजन कर सकते हैं। और हम तो आपको ले चल रहे हैं सबसे पहले मंदिर के दर्शन के लिए। ये बाबा नीम करौली का मुख्य द्वार आ चुका है, और इसी से हम आपको नीचे की ओर ले चलेंगे। अगर इसके बगल में प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं बाहर से आपको एक बार फिर से बाबा नीम करौली के आश्रम के दृश्य दिखा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत वादियों के बीच में स्थापित है बाबा नीम करौली का ये आश्रम। अब मैं आपको नीचे की ओर ले चल रहा हूँ। ये नदी है नीचे, इस नदी को पार करके हम बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए आपको ले चल रहा हूँ। तो बाहरी से मैं आपको दर्शन कराऊँगा बाबा नीम करौली के। तो कुछ सीढ़ियाँ उतर कर हम और कुछ दूर पैदल चलेंगे।
काफ़ी खूबसूरत नदी है, काफ़ी कल 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 कर के पानी बह रहा है और सामने बाबा नीम करौली का आश्रम आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। कुछ ही देर बाद हम बिल्कुल नीम करौली बाबा के गेट के सामने पहुँच जाएंगे। कुछ लोगों के फोटोशूट भी कर रहे हैं, एक यादगार के लिए सब लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं। अब बिल्कुल मेरे सामने आ गया है बाबा नीम करौली मंदिर का गेट, तो यहाँ बगल में जूता चप्पल उतार देते हैं और हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाऊँगा, तो सबसे पहले मैं दर्शन करके मिलता हूँ आपके गेट के बाहर। यहीं से मैं आपको बाबा नीम करौली के दर्शन करा रहा हूँ गेट से। इस गेट के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, इसलिए मैं आपको अंदर के दृश्य नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो बाहर से आप दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। इस धाम में बहुत ही चमत्कार हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इस समय हम आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ कैची धाम के, यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाई दे रहा होगा कैची धाम का, और बगल में आपको ब्रिज भी दिखाई पड़ रहा होगा और नीचे आपको कल कल बहती हुई नदी दिखाई पड़ रही होगी। तो हमने वो भंडारे वाली बात बता चुका हूँ जिसमें घी कम हो गया था, तो इस नदी से पानी ले जाकर उस कढ़ाई में डाला तो सब घी में कन्वर्ट हो गया था, वो हमने कहानी वीडियो के प्रारंभ में ही बता चुका हूँ। तो इसमें हम आपको अंदर कैची धाम के दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ, जहाँ बाबा विराजमान हैं उनकी समाधि, और वहीं पर दर्शन करके हम बाहर लौटते हैं। तो दर्शन कीजिए बाबा के। दर्शन करके मैं बाहर आ चुका हूँ, काफ़ी अच्छे से बाबा का दर्शन हुए और कई मंदिर यहाँ बने हुए हैं उनके दर्शन किए, और यहाँ से मैं आपको इस वादियों का दृश्य दिखा रहा हूँ जो चारों तरफ पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं जिनके मैं आप दर्शन दिखा रहा हूँ। देखिए सामने टाइम टेबल है, कितने बजे मंदिर खुलता है, कितने बजे बंद होता है, सब कुछ आपके सामने मैं इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यहां आना चाहते हैं तो अवश्य आइए बाबा नीम करौली धाम के लिए, काफ़ी प्रसिद्ध ये उत्तराखंड के तीर्थों स्थलों में से एक है बाबा नीम करौली का आश्रम। तो काफ़ी देर हमने यहां विजिट किया और इस समय मैं अब गेट के बाहर निकल रहा हूं, और निकल कर हम आपको मार्केट की ओर ले चलूँगा। तो यहीं से एक बार फिर से बाबा नीम करौली के दर्शन करा देता हूं आपको, और इस समय बाहर से बिल्कुल देखिए सामने से दर्शन करा रहा हूं, और दर्शन करने के बाद हम अब कुछ पेट में भोजन भी करेंगे, पेट के लिए काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही है। काफ़ी खूबसूरत वादियों में बना है बाबा नीम करौली का आश्रम, इधर कुछ सेब के भी पेड़ लगाए गए हैं, यदाकदा पेड़ सेब के पेड़ लगे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ के खाने पीने की व्यवस्था क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। ये सामने आपको जो मार्केट दिखाई पड़ रही है, इसी के अगल बगल दो तीन रेस्टोरेंट है जहाँ आप भोजन नाश्ता कुछ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ सामान बाबा नीम करौली की जैसे फ़ोटो है ले जाना चाहते हैं तो फ़ोटो यहाँ से आप ले जा सकते हैं, और भी जो फ़ोटो हैं उनको भी आप देख कर ले जा सकते हैं, माला ले कर जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ दुकानें इस प्रकार की लगाई गई हैं, माला भी देखिए सामने दिखाई दे रहा है, बाबा और बाबा नीम करौली के मंदिर की तस्वीर और बाबा नीम करौली की तस्वीर की भी काफ़ी यहाँ फोटो लगी हुई है। रुद्राक्ष की माला भी देखिए सामने रखी हुई है। ये सब होम स्टे हैं, यहाँ पर आप रुकने के लिए यहाँ आप रुक सकते हैं, जिनका चार्ज भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, 500 रुपये से 1000-2000 रुपये के बीच में आपको स्टे
यहाँ मिल जाएगा। तो काफ़ी मैं आपको यहाँ के दृश्य दिखा रहा हूँ और अगल बगल के कुछ मैं इसमें आपको विजिट करा रहा हूँ। सामने पौधे की एक दुकान भी है, बाएं ओर आपको दिखा पड़ रहा है और मैं आपको आगे की ओर ले चल रहा हूँ। आपको मैं वो नदी भी दिखाने के लिए चलूँगा जो हमने पार की थी। यहाँ देखिए कुछ पौधे भी लगे हुए हैं जो अपने घर के लिए आप लेकर खरीद कर ले जा सकते हैं। खूबसूरत पौधे यहाँ बिक्री के लिए लगे गए हैं। अंदर भी चलिए आपको ले चल रहा हूँ। ज़्यादातर यहाँ साइक्लेन के पौधे हैं और इंडोर सब पौधे रखे गए हैं, तो अगर आप ले जाना चाहते हैं तो अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। इधर से मैं आपको नदी के कुछ व्यू दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। जो नदी हमने पार की थी ऊपर विवाह नीम करौली के लिए, वही नदी है और काफ़ी स्वच्छ पानी इससे नदी से बह रहा है। कुछ ही करीब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मन को काफ़ी शांति मिली है। कल कल से बहती हुई नदियाँ का पानी और ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैं आपको रेस्टोरेंट ले कर आया हूँ। काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है जहाँ आकर आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट के मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। इसी के सामने छोटे छोटे कुछ और रेस्टोरेंट है, जैसे मोहन रेस्टोरेंट है, उसके अंदर मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ। ये मोहन रेस्टोरेंट है जहाँ से हमने 100 रुपये में यहाँ चने की सब्ज़ी, थोड़ा सा रायता और चार या पांच पूड़ियाँ हैं वो मिला है, जिसको हम नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर देंगे और निकलेंगे अपने घर की ओर के लिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इस बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर नीम करौली बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो कब किए हैं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप जाने की मन मना रहे हो तो कब जा रहे हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में जय बाबा नीम करौली जरूर लिखिएगा। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार मेरे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यही सी समय हम यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय बाबा नीम करौली की।